1 2023 को जिलावार एसोसिएशन मुरादाबाद के सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार मौजूद रहे। सर्वप्रथम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य अधिवक्ता गणों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। उसके लिए चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, आज़ादी के संघर्ष में उनका अद्भुत योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी अनिल पाल सिंह, सरदार प्रकाश वीर सिंह, जय वीर सिंह, शेर सिंह बोध, अजय विक्रम सिंह आदि ने संबोधन करते हुए अपने विचार रखे। इससे पूर्व जिला बार एसोसिएशन के नव निर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला जज द्वारा अनिल पाल सिंह, शेर सिंह, अजय गुप्ता, शिव कुमार राणा को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ध्रुव कुमार, अशोक कुमार सक्सेना अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद, गोपाल कृष्णन, अजय विक्रम, सत्यपाल सिंह ठाकुर, सोमपाल सिंह, रवि वर्मा, ललित अरोड़ा आदि अधिवक्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हर प्रसाद तथा संचालन महासचिव चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा किया गया। और नेताजी का जन्म एक वकील साहब के यहाँ पर ही हुआ था सन 1897 में, भारत की स्वतंत्रता को लेकर। ये भी सही है, ये स्वतंत्रता का आलम ही है जिसमें हम लोग इतने आराम से खुशी से बैठे हैं, ये आयोजन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो शायद किसी और इतने पढ़े लिखे वीर सपूत ने नहीं किया होगा। वो जज्बा हम में होना चाहिए। अब वो जज्बे की नेचर थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं।